कुछ लोग कहते हैं कि वेस्टेज के प्रोडक्ट्स महंगे हैं। मेरा कहना यह है कि जो लोग ये बोलते हैं असल में उन्होंने महंगे प्रोडक्ट्स कभी देखे ही नहीं है। अगर फिर भी आपके माइंड में ये सवाल है तो ये वीडियो आप पूरा देख लो। मेरी गारंटी आप खुद बोलोगे कि वेस्टेज के प्रोडक्ट्स महंगे नहीं हैं बल्कि वेस्टेज के प्रोडक्ट्स सस्ते हैं। क्योंकि कोई घुमा फिरा के बात मैं यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ, सीधा और सिंपल बात करने वाला हूँ। डायरेक्ट मार्केट के अदर ब्रांड के साथ कंपैरिजन हम यहाँ पर करने वाले हैं। कुछ लोग वेस्टेज ज्वाइन नहीं करते हैं और कुछ लोग ज्वाइन होकर आगे काम नहीं करते हैं क्योंकि वो भी यही सोचते हैं कि वेस्टेज के प्रोडक्ट्स महंगे हैं। तो उन सभी लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाना व्हाट्सअप और फेसबुक के माध्यम से। हर महीने हम जो घर का सामान खरीदते हैं उसमें हम कौन से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं? टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल, डियो, फेस वॉश, टैल्कम पाउडर, टी, हैंड वॉश, डिश वॉश, डिटर्जेंट पाउडर, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया के हर घर में यूज़ किए जाते हैं और हर महीने हम ये खरीदते हैं। तो सीधा कंपेरिजन यहाँ पर हम करने वाले हैं। एक साइड हम लेंगे मार्केट के अदर ब्रांड्स जो सबको पता है और आज तक हम यूज़ करते आए हैं, और दूसरे साइड हम लेंगे वेस्टेज के प्रोडक्ट्स। पहले हम बात करेंगे प्राइस की और उसके बाद हम बात करेंगे क्वालिटी की। 100 ग्राम कोलगेट टूथपेस्ट मिलता है 43 रुपीज़ में, और वहीं वेस्टेज का डेंट एश्योर टूथपेस्ट की MRP है 75 रुपीज़। कोलगेट का टूथब्रश 30 रुपीज़ में मिलता है, और वहीं वेस्टेज के डेंट एश्योर टूथपेस्ट सेट की MRP है 276 रुपीज़, जिसमें 4 टूथब्रश आते हैं। 100 ग्राम डेटॉल सोप मिलता है 30 रुपीज़ में, और वहीं वेस्टेज के एश्योर नरिशिंग एंड मॉइस्चराइजिंग सोप की MRP है 40 रुपीज़। 100 ml हेड एंड शोल्डर शैम्पू हमें मिलता है 145 रुपीज़ में, और वही वेस्टेज के 200 ml एश्योर शैम्पू की MRP है 190 रुपीज़। 200 ml बजाज आलमंड हेयर ऑयल हमें मिलता है 120 रुपीज़ में, और वही वेस्टेज के एश्योर हेयर ऑयल की MRP है 195 रुपीज़। 150 ml फॉग डियो हमें 195 रुपीज़ में मिलता है, वही वेस्टेज के एश्योर एक्टिव डियो की MRP है 190 रुपीज़। 100 ग्राम पॉन्स पाउडर 78 रुपीज़ में मिलता है, और वही वेस्टेज के एश्योर पाउडर की MRP है 60 रुपीज़। 250 ग्राम सेल्वॉन हैंड वॉश हमें 108 रुपीज़ में मिलता है, और वही वेस्टेज के एश्योर हैंड वॉश की MRP है 140 रुपीज़। 60 ग्राम गार्नियर फेस वॉश हमें मिलता है 108 रुपीज़ में, और वहीं वेस्टेज के एश्योर क्लैरिफाइंग फेस वॉश की MRP है 170 रुपीज़। 100 ग्राम जिलेट शेविंग क्रीम हमें मिलता है 160 रुपीज़ में, वहीं वेस्टेज के एश्योर शेविंग क्रीम की MRP है 120 रुपीज़। 500 ml वीम जेल डिश वॉश 140 रुपीज़ में मिलता है, और वहीं वेस्टेज के हाई वेस्ट डिश वॉशिंग लिक्विड की MRP है 202 रुपीज़। 500 ml लिजॉल फ्लोर क्लीनर हमें 120 रुपीज़ में मिलता है, वहीं वेस्टेज के हाई वेस्ट फ्लोर क्लीनर की MRP है 250 रुपीज़। 500 ग्राम सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट पाउडर हमें 56 रुपीज़ में मिलता है, वहीं वेस्टेज के डिटर्जेंट पाउडर की MRP है 160 रुपीज़। 250 ग्राम रेड लेबल चाय पत्ती हमें 130 रुपीज़ में मिलती है, और वहीं वेस्टेज के जेटा टी की MRP है 120 रुपीज़। 1 लीटर फॉर्चून कुकिंग ऑयल हमें 106 रुपीज़ में मिलता है, और वही वेस्टेज के 2 लीटर राइस ब्रैन ऑयल की MRP है 460 रुपीज़। राइस ब्रैन ऑयल की क्या खासियत है वो मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगा। दूसरे कुकिंग ऑयल्स में ट्रांस फैट्स होते हैं जो कभी भी हमारे बॉडी में डिजॉल्व नहीं होते हैं, और इसकी वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, पैरालिसिस, ओबेसिटी यानी मोटापा होता है। राइस ब्रैन ऑयल हमें इन सभी बीमारियों से दूर रखता है। खाना बनाने के लिए हम जितना ऑयल यूज़ करते हैं राइस ब्रैन ऑयल उससे आधा ही सफिशियंट होता है। मतलब अगर अदर कुकिंग ऑयल्स हमें महीने में 4 लीटर लगते हैं तो राइस ब्रैन ऑयल वहाँ पर 2 लीटर ही सफिशियंट है। अब इसका टोटल कैलकुलेशन हम करते हैं। एक घर में 4 लोग हैं तो महीने में 4 सोप लगेंगे, 2 टूथपेस्ट, 4 टूथब्रश, शैम्पू 1 बॉटल, हेयर ऑयल 1 बॉटल, 2 डियो, 1 लेडीज़ और 1 जेंट्स, टैल्कम पाउडर 1, 1 हैंड वॉश, फेस वॉश 2, 1 शेविंग क्रीम, 1 डिश वॉश, फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड 1 बॉटल, डिटर्जेंट पाउडर 2, चाय पत्ती 2 पैकेट और कुकिंग ऑयल 4 लीटर लगता है, तो वहाँ पर राइस ब्रांड ऑयल 2 लीटर ही सफिशियंट है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अगर अदर ब्रांड्स का हम टोटल कैलकुलेशन करते हैं तो वो होता है 2604 रुपीज़। इतना हमें हर महीने लगता है, हर महीने हम 2604 रुपीज़ की शॉपिंग करते हैं। अब वेस्टेज के प्रोडक्ट्स की कैलकुलेशन करते हैं।
तो वो होता है 3431 रुपीज़। लेकिन दोस्तों ये MRP रेट है, इसके आगे का कैलकुलेशन अगर आपने समझ लिया तो वेस्टेज के प्रोडक्ट्स आपको महंगे नहीं बल्कि सस्ते लगेंगे। हर प्रोडक्ट पे हमें 10-20% डिस्काउंट मिलता है, जैसे कि सोप की MRP है 40 रुपीज़, वो हमें मिलता है 35 रुपीज़ में। शैम्पू की MRP है 190 रुपीज़, वो हमें मिलता है 163 रुपीज़ में। वैसे ही हर प्रोडक्ट पे हमें 10-20% डिस्काउंट मिलता है, तो सबकी डिस्काउंट प्राइस हम लिख लेते हैं। अब इसका टोटल कैलकुलेशन होता है 2881 रुपीज़। अब तो लगभग हम मार्केट ब्रांड्स के रेंज में ही आ चुके हैं। वेस्टेज में दूसरा बेनिफिट हमें मिलता है कैशबैक का। हर बार हमें 5-20% कैशबैक मिलता है जो सीधा हमारे बैंक अकाउंट में आता है, तो एवरेज 10% कैशबैक हम पकड़ लेते हैं, मतलब 2881 का 10% 288 रुपीज़ हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। तो वो अगर हम इसमें से माइनस कर लेते हैं तो सारे प्रोडक्ट्स हमें 2593 रुपीज़ में मिलते हैं। अब तो वेस्टेज के प्रोडक्ट्स मार्केट ब्रांड से ही सस्ते में पड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों वेस्टेज के बेनिफिट्स यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होते हैं। आपके टोटल परचेसिंग पे आपको 10% के प्रोडक्ट्स फ्री में मिलते हैं एक्स्ट्रा, मतलब 250 रुपीज़ के प्रोडक्ट्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, 250 रुपीज़ का आपको फ़ायदा होता है। तो वो अगर हम इसमें से माइनस कर लेते हैं तो आपको सारे प्रोडक्ट्स 2343 रुपीज़ में ही पड़ते हैं। क्या अब आपको लग रहा है कि वेस्टेज के प्रोडक्ट्स मार्केट के अदर ब्रांड से भी सस्ते में हैं, कि इससे और सस्ता करवाऊँ? तो दोस्तों इससे भी और सस्ता हो सकता है। जैसे कि हर महीने हम शॉपिंग करते हैं, तो अगर आप हर महीने शॉपिंग वेस्टेज से करते हो, 2500 की शॉपिंग लगातार आप 6 महीनों तक करते हैं वेस्टेज से, तो 7वें महीने आपको 2500 के प्रोडक्ट्स फ्री में मिलते हैं, मतलब 7वें महीने की आपकी शॉपिंग आपको वेस्टेज की तरफ से फ्री में मिलती है। तो अगर 2500 को हम 6 मंथ से डिवाइड करते हैं तो एवरी मंथ आपको 416 रुपीज़ का बेनिफिट हो रहा है। ये अगर हम माइनस कर लेते हैं तो हमारी पूरी शॉपिंग हमें 1927 रुपीज़ में पड़ रही है। जितना सामान आप मार्केट से 2604 रुपीज़ में ले रहे हैं, उतना ही सामान वेस्टेज से आपको 1927 रुपीज़ में पड़ रहा है। अब तो बोल दो कि वेस्टेज के प्रोडक्ट्स सस्ते हैं। प्राइस के अकॉर्डिंग वेस्टेज बेस्ट हैं, ये मैंने दिखा दिया। अब क्वालिटी की बात करते हैं। क्वालिटी की बात मैं नहीं करूँगा, आप लोग करोगे। आजकल हम रेटिंग और रिव्यूज़ पर भरोसा करते हैं। कोई भी मूवी देखने से पहले हम उसके रिव्यूज़ चेक करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले हम उसके रिव्यूज़ चेक करते हैं। तो आप लोगों ने वेस्टेज के प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दें। आपको वेस्टेज के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसे लगी वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जितना लिखना है उतना लिखिए, कोई भी लिमिट नहीं है, ताकि आगे से कोई ना बोले कि वेस्टेज के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, और जो लोग नए आ रहे हैं वो ये रिव्यूज़ देखकर समझ जाएं कि वेस्टेज के प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलिए, कमेंट ज़रूर करिए, और फाइनली इस वीडियो को आप शेयर करें आपके सभी ग्रुप्स में, आपके सभी मेंबर्स को इंडिविजुअली आप शेयर करिए, और फेसबुक पे भी इस वीडियो को शेयर करिए, और फाइनली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।